जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जेवर एयरपोर्ट और लॉजिस्ट हब के आने से जो ग्रेटर नोएडा है और इसका आसपास का क्षेत्र है, चाहे वो जेवर का क्षेत्री क्यों ना हो, तो इसकी जो सूरत है वो बदल जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। यमुना प्राधिकरण ने दोस्तों ये डिक्लेरेशन किया है। यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण यीडा ने अपने 20 वर्ष के सफ़र में कई ऊंचाइयों को छुआ है। जेवर एयरपोर्ट पर मोहर लगने के साथ ही यहाँ औद्योगिक विकास ने रफ्तार पकड़ ली है। यूडा ने प्रदेश में क्लस्टर बनाकर औद्योगिक भूखंडों का आवंटन किया है। यहाँ फिल्म सिटी, राय हेरिटेज सिटी, टप्पल लॉजिस्ट हब समेत कई बड़ी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इन पर 60,000 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होंगे। दावा है कि 2023-24 तक ये परियोजनाएं शुरू हो जाएंगी। इनके पूरा होने से शहर की सूरत बदल जाएगी। यूडा का गठन 2001 में हुआ था। 2009 में यह 21,000 भूखंडों की आवासीय योजना आई थी। इसके बाद यहाँ पर औद्योगिक व्यावसायिक हाउस, हाउसिंग सोसाइटी आवासीय योजनाओं को लॉन्च करने की रफ्तार काफ़ी धीमी रही। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद जेवर एयरपोर्ट पर मोहर लगी। कोरोना महामारी पर अंकुश लगने के बाद इसका शिलान्यास होने की उम्मीद है। स्विस कंपनी ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी का इसका दोस्तों डेवलपमेंट इसका करेगी, विकास करेगी। पहला चरण 1334 सेक्टर में बनेगा। पहले चरण पर करीब 30,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, ठीक है। एयरपोर्ट से इस इलाके की सूरत बदल जाएगी और दूसरे चरण के मुआवजे का दोस्तों काम भी बहुत जल्द पूरा किया जाना है। तो बड़ी अपडेट है, ये बताया जा रहा है कि भाई जेवर एयरपोर्ट आने से ही आसपास के क्षेत्र की सूरत पर बहुत प्रभाव पड़ने वाला है।